सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो एथलीट का है क्यों जरूरी है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है खासकर बच्चों के परफॉर्मेंस पर या फिर हाई लेवल परफॉर्मेंस पर। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है इसका जरूरत है। इसका जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स साइंसेस होते हैं, उनमें से ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे हम जानते हैं कि एवरी वर्क्स डन बाई अस आर ड्रिवन बाई आवर माइंड। और माइंड जो है, हमारा माइंड जो है वो हमारे बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो माइंड जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कैसे करेगा? तो इसके लिए माइंड के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जरूरत है। और अब ये सबको ऐसा लगता है कि माइंड के ऊपर मेरा तो कंट्रोल है, लेकिन ये सच बात है कि ये हम सब वैसे भी जानते हैं कि हमारा कंट्रोल हर समय माइंड के ऊपर इक्वली नहीं रहता है। दैट मूव्स अप एंड डाउन लिटिल बिट। क्या आप कोई ऐसा वर्कआउट या कोई एकाध एक्सरसाइज या फिर एकाध कोई ऐसा मेथड बता सकते हैं जिससे बच्चे मैच से पहले उस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करें ताकि उनका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मैच के लिए तैयार हो सके? एक्चुअली एक एक्टिविटी तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कि मैच से पहले, गेम से पहले, जैसे आपने स्पेसिफिकली पूछा है सवाल के गेम से पहले क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मैं दो चार एक्टिविटी बोल सकता हूँ। एक बोलना सही नहीं होगा। एक तो है आपका मेंटल स्किल रिहर्सल, जिसको हम कई बार मेंटल इमेजरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्किल आप परफॉर्म करने वाले हैं वो स्किल को आप मेंटली रिहर्स करेंगे। आप सोचेंगे उस स्किल के बारे में, ठीक है? और सोचना है मतलब कैसे सोचना है, सोचने के भी कुछ स्पेसिफिक नियम है, देर आर सर्टेन रूल्स। वो कौन कौन से हैं? आपको सिर्फ सोचना नहीं है, वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना है। मान लीजिए एक हाई जंपर है, एक हाई जंपर है, फॉसबेरी फ्लॉप का जंपर है, और वो क्या इमेजिन करेगा? वो इमेजिन करेगा कि मैं जंप कर रहा हूँ, स्टेडियम के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, सामने जंपिंग पिट रखा है, स्पेक्टेटर्स है, दे आर चीयरिंग फॉर मी, एंड आई एम इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, एंड आई एम इन द राइट स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट, एंड मैंने अप्रोच रन स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड अप्रोच रन, आई हैव टेकन अ वेरी परफेक्ट टेक ऑफ। आफ्टर द टेक ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी बॉडी पोजिशन स्पेसिफिकली ही और शी हैज टू इमेजिन, जो के बॉडी पोजिशन उसके कोच ने उसको बताया है कि ऐसा होना है, टेक ऑफ के टाइम पे ऐसा होना है कि आपका टेक ऑफ लेग ऐसा होना है, आपके नॉन टेक ऑफ लेग का पोजिशन ये होना है, आफ्टर यू हैव लेफ्ट द ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्राइव योर आर्म फ्रॉम द अपवर्ड साइड ऑफ द क्रॉस बार, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके अपर बॉडी आएगा, आर्च बनेगा, और फिर आप लैंडिंग करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जो जो प्रोसेस आपके कोच ने बताया है, आपने जो ट्रेनिंग में किया है और जो नहीं भी कर पाया है वो भी आप इमेजिन करेंगे। और एक थोड़ा सा चीज ऐड करना है मुझे इसमें, ये एक्सरसाइज सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है, ये आपको ट्रेनिंग से पहले भी करना है, हर एक ट्रेनिंग से पहले करना है। और मुझे जो लगता है कि आप कई लोग करते भी है इसको, बहुत लोग बिना बोले इसको करते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सोच समझ के अच्छे से जो जो चीजें बोला गया कि उसको एक्सपीरियंस करना है। यू हैव टू इन्वॉल्व योर फाइव सेंसेस, यू हैव टू स्मेल द स्टेडियम, यू हैव टू टेस्ट योर स्वेट, जो जो फीलिंग सेंसेशन आपको होता है वो सब कुछ आपको इमेजिन करना है कि आप उस सिचुएशन में खड़े हैं, ऐसा सोच के। और इसके सिवा एक तो ये मेंटल इमेजरी का हो गया, एंड इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड इफ यू आर हैविंग एंग्जाइटी और टेंशन समथिंग लाइक दैट, देर इज वन मोर वेरी गुड एक्सरसाइज वी कैन कॉल दिस PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन।
प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि आप वन बाय वन आपके एक एक बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। यू गो फॉर कॉन्ट्रैक्शन फॉर 5 seconds एंड यू गो फॉर रिलैक्सेशन फॉर 15 seconds, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है वन बाय वन। जैसे मान लीजिए पहले मैंने फोर आर्म को टाइट किया और उसके बाद मैंने रिलैक्स किया फोर आर्म को, नेक्स्ट मैंने बाइसेप्स को टाइट किया और रिलैक्स किया, नेक्स्ट मैंने शोल्डर को किया, ऐसे ऐसे करके वन बाय वन टोटल 14 बॉडी पार्ट्स है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। ये एक दूसरा एक्सरसाइज हो गया। ऐसे कई सारे एक्सरसाइज है, एक्चुअली मुझे नाम लेना है तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो कर सकते हैं बिफोर द